हेलो दोस्तों, मैं बिना आपका स्वागत करता हूँ टीएसपीवी स्टडी चैनल में। दोस्तों मैं रीजनिंग का टॉपिक लेकर आ रहा हूँ। रीजनिंग का टॉपिक होगा, हमने लास्ट वीडियो में हमने जाना था यानी अल्फाबेट्स की नंबरिंग करना, कि कौन सा अल्फाबेट किस नंबर पर आता है और अपोजिट अल्फाबेट क्या होते हैं क्या नहीं होते, अपोजिट में अल्फाबेट्स को फाइंड करना। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे, और हमने याद किया था उसमें अल्फाबेट्स को याद रखना है कि किस नंबर पर कौन सा है क्या है, तो इस हिसाब से। अब दोस्तों हम बात करते हैं टॉपिक की, चैप्टर की। तो हमारा चैप्टर आज से स्टार्ट होता है, हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है एनालॉगी या सादृश्यता। इसे क्या बोल सकते हैं, सादृश्यता को, कंपेरेबिलिटी। सादृश्यता को क्या बोल सकते हैं, कंपेरेबिलिटी या एनालॉगी। दोस्तों कुछ भी हम बोल सकते हैं, कंपेरेबिलिटी हमें नाम से महसूस हो रहा होगा, यानी नाम से हम जान पा रहे होंगे, कंपेरेबिलिटी यानी कंपेयर करना, दो पार्टों का कंपेयर करना है। सादृश्यता यानी सादृश्यता से हमें महसूस हो रहा होगा कि दो पार्टों को हमें इक्वल करना है, कि किस हिसाब से इक्वल होंगे किस हिसाब से नहीं, लॉजिक के थ्रू। तो दोस्तों हम बात करते हैं, यानी इसमें दो युग्म दिए होते हैं, हमें कितने युग्म दिए होते हैं, दो युग्म दिए होते हैं। एक युग्म में क्वेश्चन मार्क दिया होता है, तो दूसरे युग्म को क्वेश्चन मार्क के उस क्वेश्चन मार्क की जगह हमें क्या आएगा क्या नहीं आएगा ये फाइंड कर रहा है। तो दोस्तों हम बात करते हैं क्वेश्चंस पे, यानी हमें दो प्रकार से क्वेश्चन दिए होते हैं जिसमें दो युग्म होते हैं। एक साइड में हमें दे दिया कि ये है, दूसरी साइड में क्वेश्चन मार्क दे दिया कि हमें क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालनी है क्या है क्या नहीं है। दोस्तों क्वेश्चंस में बात करते हैं, तो कंपेरेबिलिटी नाम से महसूस हो रहा है, यानी दोनों पार्टों की इक्वल यानी समानता। कंपेरेबिलिटी किसी में भी हो सकती है, कंपेरेबिलिटी नाम में भी हो सकती है, फूल में भी हो सकती है, पक्षियों में भी हो सकती है, और हमारी स्टेट वगैरह के नाम होते हैं उनमें भी हो सकती है, कैपिटल्स में हो सकती है, अल्फाबेट में भी हो सकती है, नंबरिंग में भी हो सकती है। दोस्तों किसी में भी कंपेरेबिलिटी हो सकती है, हमारे यहाँ तक कि यूनिट्स इकाई जो होती है उनमें भी कंपेरेबिलिटी हो सकती है। तो दोस्तों बात करते हैं हम, तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, जिस प्रकार मछली जल से संबंधित है उसी प्रकार चिड़िया किससे संबंधित होगी, यानी जिस प्रकार मछली जल से संबंधित है उसी प्रकार चिड़िया किससे संबंधित होगी। दोस्तों हमें ऑप्शन दे रखे हैं, जल, आकाश, भोजन, वायु। मछली जिस प्रकार पानी से यानी जल से संबंधित है उसी प्रकार चिड़िया किससे संबंधित होगी। हमें ऑप्शन दे रखा है जल, आकाश, भोजन, वायु। जिस तरह से मछली, हम ऑप्शन लॉजिक है हमारे पास, मछली किस में रहती है, जल में, चिड़िया कहाँ रहती है, आकाश में। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, आकाश यानी आसमान, आसमान में चिड़िया होती है। जिस प्रकार से मछली जल में रहती है उसी प्रकार से चिड़िया आकाश में रहती है। दोस्तों ये हमारा ऑप्शन हो गया, कुछ था कुछ भी नहीं था। इसी प्रकार से लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन है, हमें बस इतना आना चाहिए, हमें इतना तो आना चाहिए कि किसकी कैपिटल क्या है, कि कौन सा पक्षी किससे संबंधित है, कि जैसे कि मछली जल में रहती है तो चिड़िया कहाँ रहेगी, या तो अगर ऑप्शन दे रखा होता घोंसले में तो घोंसला होता हमारा, बट हमें जल में रह नहीं सकती है, भोजन में रह नहीं सकती है, वायु में रह नहीं, तो वो ऑप्शन क्या होगा, आकाश, आकाश में। तो दोस्तों हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, कुछ था इसमें कुछ भी नहीं था। दोस्तों बस सोचना है क्या है क्या नहीं है, और क्वेश्चंस लेता हूं मैं। दोस्तों ऑप्शन यानी क्वेश्चन पूछ का, जैसे किसी गाय के लिए बछड़ा होता है, जैसे किसी गाय के लिए बछड़ा होता है उसी प्रकार बकरी के लिए क्या होगा। तो हम मानते हैं पिल्ला किसके लिए होता है, कुत्ते के लिए। पिल्ला किसके लिए होता है, कुत्ते के लिए, तो ये हो नहीं सकता है, छोरा नहीं हो सकता है। बकरी के लिए क्या होता है, बकरी के लिए हमारे पास क्या होता है, मेमना। तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा, मेमना। बस हमें याद होना चाहिए कि बकरी के लिए क्या होता है, गाय के लिए क्या होता है, उसी प्रकार से बकरी के लिए क्या हो जाएगा, मेमना। बछड़ा में पहले दे रखा किसके लिए होता है, गाय के लिए। तो दोस्तों ऑप्शन हमारा क्या होगा, सी। इसी प्रकार से हम और क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन दोस्तों कुछ था कुछ भी नहीं था, बस सोचना था, लॉजिक था, एनालॉगी, कंपेरेबिलिटी। मैंने बताया दो युग्म दिए होते हैं, दोनों युग्मों में कंपेयर करना होता है कि इस युग्म में ये है तो इसमें क्या आएगा, वही हिसाब है। गाय के लिए बछड़ा होता है तो बकरी के लिए क्या होगा, मेमना, ऑप्शनली। दोस्तों मैं क्वेश्चन दे रखे हैं, क्वेश्चन दे रखा है पहला, विरोधी किसके लिए होता है, विरोधी का क्या होता है, विरोधी का विरोध क्या होता है, उल्टा क्या होता है, शत्रु। और उसी प्रकार से विपत्ति का उल्टा क्या होता है, विपत्ति का उल्टा सक्रिय हो नहीं सकता है, प्रेम हो नहीं सकता है, मित्र हो नहीं सकता है। विपत्ति का मतलब क्या होता है, कठिनाई यानी परेशानी, विपत्ति का मतलब परेशानी आना, परेशानी को हम किससे डिनोट करते हैं, कठिनाई से, यानी हमारे आगे कठिनाई है, विपत्ति। उसी प्रकार से विरोधी
विरोधी हमेशा कौन होता है? शत्रु ही होता है। हमारा विरोधी कौन है, दुश्मन कौन है, उसे क्या बोलेंगे हम? शत्रु बोलेंगे। अपना विरोधी यानी हमारा विरोधी, सामने वाला कौन है जो हमारे विरोध में है, उसे क्या बोलेंगे? शत्रु। इसी प्रकार से विपत्ति यानी किसी समस्या है, किसी समस्या का हमारे ऊपर आ जाना, तो उसे किससे डिनोट करते हैं? कठिनाई यानी कठिनाई, हमारे ऊपर कोई परेशानी आना, उसे क्या कहते हैं? कठिनाई। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास? कठिनाई। दोस्तों इसी प्रकार से ऊष्मा, ऊष्मा यानी हीट, हीट की यूनिट क्या होती है? कैलोरी। हीट यानी ऊष्मा, ऊष्मा की यूनिट क्या होती है? कैलोरी। उसी प्रकार से ध्वनि, ध्वनि को हम किससे डिनोट करते हैं? ध्वनि की यूनिट क्या होती है? डेसिबल। हमारे पास ऑप्शन क्या हो जाएगा? डेसिबल। रिएक्टर उठ नहीं सकती है। वाट हमारे किसके होती है? पावर के लिए। जूल भी, जूल किसके लिए होता है? वाट पर सेकंड के लिए। दोस्तों हमारी यूनिट क्या होगी? डेसिबल। हमें याद होना चाहिए कि ऊष्मा यानी हीट के लिए यूनिट क्या होती है? कैलोरी। इसी प्रकार से ध्वनि, ध्वनि के लिए यूनिट क्या होती है? डेसिबल। इसी प्रकार से दोस्तों मैंने क्या कहा था कि बस दो पेयर, दो यानी हमें दो युग्म दिए होते हैं, दो पेयर दिए होते हैं। इस प्रकार से एक पेयर ये दे दिया, एक ये दे दिया, यहाँ क्वेश्चन मार्क दे दिया, पूछ लिया अब इसकी जगह क्या आएगा क्या नहीं आएगा। जिस प्रकार से ऊष्मा कैलोरी से संबंधित है, उसी प्रकार ध्वनि डेसिबल से संबंधित होगी। दोस्तों इतना करना है। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन जानते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत तरह के क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत तरह। दोस्तों बात करते हैं हमारे क्वेश्चंस पर। हमारा क्वेश्चन होगा जिस प्रकार से धनुष किससे संबंधित है? धनुष से क्या चलता है? हमारा बाण। उसी प्रकार पिस्तौल, पिस्तौल से हमारा क्या चलता है दोस्तों? गोली। हमेशा ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास? सी। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास? सी। हमारा ऑप्शन क्या होगा? सी। जिस प्रकार धनुष, धनुष किससे संबंधित है? बाण से। उसी प्रकार पिस्तौल, पिस्तौल हमारा किससे संबंधित होगा? गोली से। क्योंकि धनुष से तो हमेशा, धनुष से हमेशा बाण चलाते हैं, इसी प्रकार से पिस्तौल, पिस्तौल से क्या चलाते हैं? गोली यानी बुलेट, बुलेट जो बोलते हैं। तो दोस्तों सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन में हमारा क्या है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र क्या है? महाराष्ट्र हमारा क्या है? महाराष्ट्र एक हमारा स्टेट है यानी राज्य है। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र क्या है? हमारा स्टेट है यानी राज्य है। किसका? भारत का। भारत का एक राज्य है महाराष्ट्र। उसी प्रकार टेक्सास, टेक्सास क्या है? टेक्सास भी एक राज्य है यानी महाराष्ट्र राज्य है भारत का, यानी महाराष्ट्र एक राज्य है भारत का। उसी प्रकार से टेक्सास, टेक्सास एक राज्य है किसका? यूएसए का। हमारा किसका राज्य है? यूएसए का। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? यूएसए। जिस प्रकार से भारत की, मतलब महाराष्ट्र भारत का एक राज्य यानी स्टेट है, उसी प्रकार से टेक्सास, टेक्सास, टेक्सास हमारा यूएसए का एक राज्य यानी स्टेट है। तो दोस्तों बात करते हैं और क्वेश्चंस के, हमारे और क्वेश्चंस होंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चंस की बात करते हैं। दोस्तों आई होप अच्छे से समझ में आ रहा हो, बहुत अच्छे से। हमें बस ये देखना कंपैरेबिलिटी। तो दोस्तों हमें क्वेश्चन, हमें क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास, क्वेश्चन पहला क्वेश्चन दे रखा है हमें। सुनो, एसएनओपी, एसएनओपी संबंधित है ओएनएसपी से, यानी एसएनओपी संबंधित है ओएनएसपी से, तो सीएनएवाई के लिए किससे संबंधित होगा? हमें ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों, आप क्वेश्चन करते हैं। हमें क्या दे रखा है? एसएनओपी, इसमें ऑप्शन में देखेंगे ओएनएसपी, यानी एन और पी, एन और पी हमारा सेम जगह दे रखा है, यानी एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, यानी हमारा दो पर एन दे रखा है, दे रखा है पी पर दो, चार पर, चार पर क्या दे रखा है? पी। सही है दोस्तों, हमारा चेंज क्या हुआ? पहले पर क्या एस है, यहाँ पर, यहाँ पहले पे क्या दे दिया? ओ। तीसरे पे क्या दे दिया? एस है, और यहाँ पर क्या, तीसरे पे ओ। तो क्या किया दोस्तों? पहले और तीसरे वर्ड को चेंज किया, पहले और तीसरे वर्ड को चेंज किया। इसी प्रकार से हम यहाँ पर वर्ड को चेंज करेंगे, यानी हमारा यहाँ पर पहला वर्ड क्या है? एक दो तीन चार, मैंने क्या कहा? दो और चार को सेम रहने देंगे, दो और चार को हमारा क्या है? एल और वाई, एल और वाई सेम है हमारे पास, एल वाई सेम हो गया। एक और तीन को बस चेंज करेंगे, एक की जगह तीन आ जाएगा और तीन की जगह एक आ जाएगा, एक की जगह क्या आ जाएगा? ए, और तीन की जगह क्या आ जाएगा? सी। तो ए एल सी वाई हमारा आंसर क्या होगा? ए एल सी वाई, ए एल सी वाई हमारा ऑप्शन कौन सा है? हमारे पास ऑप्शन है ए एल सी वाई, ये रहा हमारा आंसर क्या होगा? ए एल सी वाई। तो दोस्तों हमारे पास ऑप्शन क्या हो गया? ए एल सी वाई। दोस्तों ऑप्शन हो गया हमारे पास ए एल सी वाई, यानी एक और तीन को, एक और तीन को चेंज किया, बाकी दो और चार वाले नंबर को सेम रखा, दो और चार को, एक की जगह तीन ले लिया और तीन की जगह एक, वही यहाँ हमें करना है। दो और चार को हमने सेम रखा, एक की जगह, एक की जगह क्या रखा? तीन वाला वर्ड, और तीन की जगह क्या रखा? एक वाला वर्ड। हमारा आंसर आ गया ए एल सी वाई। दोस्तों इस प्रकार से ए जेड बी वाई, ए जेड बी वाई दे रखा हमें, ए जेड बी वाई सी एच डी डब्ल्यू ई बी एफ यू। तो इस प्रकार से हमें संबंध देखना है कि किसमें क्या है क्या नहीं है। दोस्तों हमें देखना है ए के बाद एक ऑप्शन छोड़ के क्या आ रहा है, ए के बाद एक ऑप्शन छोड़ के क्या आ रहा है? ए बी। दोस्तों सी डी,
इसी प्रकार से एक बी, बी के बाद क्या आ गया यहाँ सी, सी के बाद क्या आ गया डी, ए आ गया ए बी सी डी, इसी प्रकार से ई एफ, हमें इतना मालूम हो गया यहाँ पर ए बी दे रखा सी डी दे रखा, इसी प्रकार से अगर यहाँ पे ई एफ दे रखा है तो हमारे पास पहला और तीसरा वर्ड क्या आएगा, यानी एक दो तीन चार, पहला और तीसरा वर्ड क्या आएगा, पहला और तीसरा वर्ड ई एफ कंटिन्यू दे रखा ए बी सी डी, ई एफ एक वर्ड का गैप दे रखा, तो ई एफ की जगह क्या आ जाएगा ई एफ जी एच, ये एक ऑप्शन हमने खाली छोड़ दिया, जी एच हमें आ गया, हमें जी एच मिल गया है दोस्तों, हमें जी एच मिल गया। इस प्रकार से अब देखेंगे यहाँ पर जेड वाई दे रखा नहीं चल रहा गुरु लॉजिक, हम क्या करेंगे उल्टा देखेंगे यू बी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, डब्ल्यू एक्स वाई जेड, यू बी से पहले क्या आता है, यू बी से पहले क्या आता है, यू से पहले क्या आता है एस टी, एस टी आता हमारा, यू से पहले क्या आता है एस टी, यानी यहाँ पर क्या ऑप्शन हो जाएगा एस और टी, हमारे पास आंसर क्या आ गया जी टी एच एस, जी टी एच एस कहां पर हमारा जी टी एच एस, आंसर हमारा ये हो गया, ऑप्शन क्या होगा हमारे पास बी। इस प्रकार से हम देखेंगे ए बी कंपेयर दे रखा है, सी डी दे रखा है एक एफ छोड़ के, एक बार छोड़ के यानी जेड दे छोड़ दिया, ऐसे यहाँ पर एक्स छोड़ दिया, इसी प्रकार से इसमें संपर्क कंपेयर करेंगे ई एफ एक छोड़ दिया, हमें इतना मारा जब यहाँ पर सी डी आया है तो ई एफ, एफ के बाद क्या आ जाएगा जी एच, जी एच एक बार छोड़ के एक बार हमने छोड़ दिया। इसके प्रकार से हमने देखा लॉजिक क्या है क्या नहीं, हमने देखा उल्टा लॉजिक है इसमें यू बी डब्ल्यू एक्स डब्ल्यू एक्स वाई जेड, इसी प्रकार से यू बी, यू बी से पहले क्या आता है एस और टी, एस और टी, एस हमने यहाँ ले लिया टी ए ले लिया, तुम्हारे पास आंसर क्या बन गया जी टी एच एस, जी टी एच एस ऑप्शन में देखें जी टी एच एस आंसर आ गया हमारे पास निकल के। और दोस्तों ऑप्शन भी नहीं है यहाँ पर, देख लिया ई बी एच ई बी एफ है, एक एक का गैप है ए बी सी डी ई एफ, हम तो कहेंगे जी एच नहीं होगा, यहाँ पर जी है यहाँ एच नहीं है तीसरे पर, तो ऑप्शन नहीं होगा, इसी प्रकार से जी एच, जी एच लगातार देर का एक के गैप बाद वही नहीं होगा, टी एस, एस के बाद क्या आएगा जी एच, ये भी नहीं होगा, तुम्हारे पास आंसर क्या बचा वैसे भी यही बचा, मैंने क्या कहा ए बी सी डी चेक कर लिया एक के गैप को छोड़ के ए बी सी डी आ रहा है एक के गैप के बाद में, इसी प्रकार से ई एफ, ई एफ के बाद क्या आएगा जी एच एक गैप छोड़ के जी एच, एच नहीं आ रहा तीसरे का ऑप्शन नहीं होगा, इसी प्रकार से जी एच लगातार आ गया नहीं होगा, इसी प्रकार से टी आ गया यहाँ पर जब क्या आ रहा था जी और यहाँ एच, ये भी नहीं होगा, हमारे पास ऑप्शन कौन सा बचा ऑलरेडी बी वाला ऑप्शन बचा, यानी जी एच इसके अकॉर्डिंग ई एफ के अकॉर्डिंग जी एच दे रखा है और यू बी के अकॉर्डिंग एस टी दे रखा है, तो एस टी यू बी ऑप्शन हमारे पास ऑलरेडी आ गया। दोस्तों बात करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं मैं, तो दोस्तों हमारे पास क्वेश्चन है, हमारे पास क्वेश्चन है और क्वेश्चन लेके आ रहा हूं, तो हमारे पास क्वेश्चन है इस प्रकार से स्टार दे रखा है एस टी आर, एस टी आर दे रखा है, एस टी आर के अकॉर्डिंग में क्या दे रखा है ए आर टी एच, इसी प्रकार से वार्ड डब्ल्यू आर डी वार्ड, वार्ड के अकॉर्डिंग हमें देखना है क्या आएगा क्या नहीं आएगा, और क्वेश्चन करेंगे इससे क्वेश्चन करते हैं दोस्तों हमारा क्या देखा आर ए टी एस एस टी ए आर एस टी आर देखा और यहाँ पर क्या देखा आर ए टी एस, हमें लॉजिक खुद ही देख रहा है कि ये क्या कर दिया, ये हमने उल्टा लिख दिया है, यहाँ पर आर से स्टार्ट किया ए ले लिया टी हमारा तीसरे स्थान पर ला एस उल्टा उल्टा लिख दिया, ऐसे इस प्रकार से डब्ल्यू ए आर डी हमें ये देखा डब्ल्यू ए आर डी को उल्टा लिखेंगे तो क्या लिखा जाएगा डी आर ए डब्ल्यू, यानी पीछे की साइड से स्टार्ट करना है तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा ड्रॉ डी आर ए डब्ल्यू ड्रॉ, तो हमारे पास आंसर क्या होगा ऑप्शन क्या होगा बी, बी ऑप्शन हमारा आंसर होगा, स्टार दे रखा ये स्टार, स्टार को हमने उल्टा करके लिख दिया यानी आर से स्टार्ट किया आर ए टी एस आर ए टी एस, इस बार डब्ल्यू आर डी वार्ड वार्ड को लिखेंगे तो क्या लिखा जाएगा डी आर ए डब्ल्यू। दोस्तों और क्वेश्चन देखते हैं ए बी सी डी ई, ई के बाद क्या दे रखा है F G H I J, कोई ऑप्शन नहीं लगातार हमें काउंटिंग दे रखी है, लगातार हमें काउंटिंग दे रखी है A के बाद B C D E, E के बाद क्या आ रहा है लगातार ना कोई गैप है किसी का ना कुछ है, E के बाद क्या आ रहा है F स्टार्ट कर देंगे P Q R S T, T के बाद क्या आता है T के बाद U आता है, दोस्तों हमारे पास ऑप्शन क्या है ऑप्शन क्या होना चाहिए U V W X Y, हमारे पास ऑप्शन क्या होना चाहिए वाई, क्योंकि पांच पांच वर्ड है सभी में पांच पांच वर्ड है, तुम्हारा आंसर क्या होगा यू बी डब्ल्यू एक्स वाई, हमारा ऑप्शन कौन सा हो गया ए, ये हमारा क्या हो गया आंसर। दोस्तों इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन और क्वेश्चन लेते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन करने के लिए करने देखने सोचने समझने प्रैक्टिस करनी है सब कुछ होगा, सादृश्यता कंपेरेबिलिटी कंपेरेबिलिटी एनालॉजी यानी बताना है क्या क्या नहीं, बस कंपेयर कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा है, वही करना है दो युग्मों के बीच में कंपेयर। और क्वेश्चन लेता हूँ, बहुत सारे क्वेश्चन है, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन और देता हूँ।
तो दोस्तों मैं बात करता हूँ, मेरे पास क्वेश्चन है दोस्तों, मेरे पास क्वेश्चन है अंडर रूट में क्या देखना ए एफ आई, इसी प्रकार से ए एफ आई के इक्वल टू में क्या है एम, इसी प्रकार से इक्वल टू ए डी बी इक्वल टू क्या देखा है एम, तो हमें अंडर रूट ए बी ए की वैल्यू फाइंड करनी है, क्या होगा क्या नहीं होगा दोस्तों। हमें ए एफ आई दे रखा है, हमें ऑप्शन में क्या दे रखा है ए एफ आई, हमें इतना मालूम होना चाहिए ए एफ आई अंडर रूट में। दोस्तों क्या करेंगे, हमारे पास ए की वैल्यू क्या होती है एक, एफ मैंने कल ही आपको लास्ट क्लास में बताया था अल्फाबेट स्क्वायर में कौन सी नंबर कहाँ पर है क्या है क्या नहीं है, मैंने आपको बताया एफ है, इन ऑप्शनों को मिला दो उल्टा सिक्स बन रहा है, ऐसे नीचे की इमर देखेंगे, इमेज वाटर इमेज देखेंगे या नीचे मिरर लगा के इमेज देखेंगे, तो ये उल्टा क्या बन जाएगा सिक्स, और हमारा आई आई किस टाइप का होता है हमारा नाइन टाइप का, तो क्या हो गया ये अंडर रूट हटाएंगे तो यहाँ पर तेरह आ गया, और तेरह किसकी वैल्यू होती है हमारे पास एम की, दोस्तों वही दे रखा है एम। इसी प्रकार से अंडर रूट ए डी डी ए, ए का क्या है एक, डी का क्या आ जाएगा चार, और एस डी का क्या आ जाएगा चार, कितना आ गया इसका अंडर रूट बारह, बारह हमारे पास किसकी वैल्यू होती है दोस्तों, बारह हमारे पास किसकी वैल्यू होती है एल की, हमारे पास वैल्यू बारह किसकी होती है एल की, वही करना है दोस्तों, बस देखना है क्या है क्या नहीं, लॉजिक अपने आप माइंड लगाए प्रैक्टिस चली करेंगे तो सब कुछ होगा। इसी प्रकार से ए बी बी ए, ए बी बी ए फाइंड करना है, ए बी बी ए हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो दोस्तों क्या आएगी हमारे पास ए बी बी ए की वैल्यू क्या आएगी अंडर रूट ए की एक, बी की दो, और एक इसकी जगह आता है एक की जगह, तो इसकी जगह क्या जाएगा ग्यारह, ग्यारह हमारे पास किसकी वैल्यू होती है, ग्यारह हमारे पास किसकी वैल्यू होती है के, के की वैल्यू, ये के की वैल्यू होती है, तो दोस्तों हमारे पास ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन हमारे पास डी हो गया, हमारा आंसर क्या हो गया डी यानी के, हमें निकल के आ गया ये वैल्यू किसकी है के की, हमने क्या किया ए एफ आई हमें दे रखा है ए एफ आई, हमें ए की वैल्यू एक होती है, एफ की वैल्यू सिक्स होती है, और आई की वैल्यू नाइन, 169 किसका अंडर रूट में तेरह, तेरह किसकी वैल्यू होती है एम की, 144 ए डी डी ए डी डी अंडर रूट में 144 इक्वल टू 12 किसकी वैल्यू होती है एल की, वही किया ए बी ए की जगह 121 किसका होता है ग्यारह का, ग्यारह की किसकी वैल्यू होती है के की, हमारा ऑप्शन क्या हो गया डी। इसी प्रकार से नीचे बात करते हैं, नीचे बात करते हैं हमारा, हमें क्या दे रखा है 42 इक्वल टू 20, हमें दे रखा कोई लॉजिक नहीं है, तो दोस्तों कुछ नहीं है, बहुत इजी बहुत सिंपल है, हमें सोचना है देखना है क्या है क्या नहीं है दोस्तों, कुछ भी सोचना कुछ भी देखना नहीं है, आंख बंद करो, हमारे पास ये हो क्या सकता है दिमाग लगाओ, हम कर नहीं सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं 42 / 2 क्या आ गया 21 माइनस के एक क्या रहा 20 निकल के, क्या रहा 20 निकल के, ठीक है इसको करके देखते हैं 64 / 2 माइनस के एक, दोस्तों मैं करना क्या 42 कंपेयर 20 के और 64 के कंपेयर में क्या होगा क्या नहीं होगा ये फाइंड करना है दोस्तों। तो हम बात करते हैं हमारे पास ये 42 है, 42 यानी 21 / 2 = 42 होता है, बढ़िया हमें यहाँ 20 आ रहा है, 21 / 2 = 42 होता है, बढ़िया 20 आ रहा है यानी 20 × 2 = 40 दो आ नहीं सकता है, यहाँ पर क्या 64 की जगह ऑप्शन क्या आ सकता है 32 / 64 होता है, बट यहाँ तो 21 / 42 हो रहा है यानी एक कम का डिफरेंस आ रहा है, 21 / 2 = 42 हमें क्या हो रहा है 21 / 42 होता है, यहाँ पर 32 / 64 होता है, 32 / 64 हमें दिख रहा है यहाँ पर 20 एक कम है, 20 आ रहा है एक कम है यानी 21 में कितने का 21 / 2 क्या होता है 42 यानी 42 किससे 42 आ रहा है 21 से, तो हमें क्या दिख रहा है 21 में कितने की कमी है एक की, इसी प्रकार से यहाँ देखेंगे 32 / 2 क्या होता है 64, 32 हो नहीं सकता है, एक की कमी करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 31, हमारा ऑप्शन क्या हो गया 31, कुछ नहीं करना 20 / 40 हो नहीं सकता है, 20 / 40 हो नहीं सकता, हमने क्या किया 21 / 2 = 42 21 × 2 क्या आ गया 42, बट यहाँ पर ये 20 आ रहा है या 21 है आ नहीं सकता है, यहाँ पे क्या करेंगे 20 ले लेंगे माइनस के बन करके, यानी 21 माइनस के 1 इक्वल टू 20 मिल गया। इसी प्रकार से 32 × 2 क्या आ गया 64, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 32 तो हो नहीं सकता है 31 यानी 32 माइनस के 1 इक्वल टू क्या आ गया 31, आंसर क्या आ गया हमारे पास 31 दोस्तों। और भी ऑप्शन है करने के क्या है 42 में 21 माइनस 1 क्या बचा, सॉरी दोस्तों क्या करना है 42 / 2 माइनस के 1, 2 से डिवाइड करना और 1 माइनस करना, यानी 2 से डिवाइड करना 1 माइनस करना, तो क्या बचेगा 21 माइनस के 1 क्या बचा 20, इसी प्रकार से
64 डिवाइड बाई 2 माइनस के एक क्या बचा 32 माइनस के एक इक्वल टू क्या बचा 31। आंसर क्या आ गया हमारे पास 31, ऑप्शन सी हमारा आंसर आ गया। दोस्तों ये करना और कुछ नहीं करना, बस देखना है, सोचना है, समझना है। दोस्तों नेक्स्ट बात करता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की। दोस्तों बात करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों दे रखा है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है फ्रूट एफ आर यू आई टी, एफ आर यू टी की जगह क्या नंबरिंग दे रखी है, हमें ये नंबरिंग दे रखी है 6182190। और इसी प्रकार से एफ टी एफ स्टेम, स्टेम की जगह हमें फाइंड करना क्या आएगा क्या नहीं आएगा। दोस्तों हम बात करते हैं, हमें मालूम है एफ एफ की जगह क्या आता है, एफ एफ किसकी नंबर है यानी 6 की, तो हमारे पास 6 तो ये आई गया, ये रहा यहाँ पर हमारे पास एफ किसकी है 6 की। आर आर किसका अपोजिट होगा, आर आर कौन से नंबर पे आता है, आर हमारा 18 पे आता है, पूरा 18। यू यू मैंने बताया था छोटी नाक और मोटी नाक, छोटी नाक कौन सी हमारे पास, वो छोटी नाक कौन सी हमारे पास, सॉरी मोटी नाक, मोटी नाक कौन सी हमारे पास 21। 21 किसका आता है यू पर, मोटी नाक किसका आती है यू पर 21 यू पर। आई पर, आई पर क्या आता है 9, टी की जगह क्या आता है 20, नंबर दे रखा है कुछ नहीं। एस एस कितने पे आ जाएगा हमारा 19 पर, टी कितने पे आता है 20 पर, ई कितने पे आता है 5 पर, एम कितने पे आता है 13 पर, हमारा आंसर 19, 20, 513। हमारे पास ऑप्शन कौन सा 19, 20, 500, सॉरी ऑप्शन हमारा कौन सा हो गया बी 19, 20, 513, हमारा ऑप्शन क्या हो गया बी, हमारा ऑप्शन क्या हो गया बी 19, 20, 513, हमारा आंसर निकल के आ गया 19, 20, 513। क्या किया बस नंबरिंग दे रखी है, 9 एफ की जगह हमारा 6 आ गया, आर की जगह 18 आ गया, यू की जगह 21 आ गया, आई की जगह, आई किसकी जगह होता है 9 की जगह, टी किसकी जगह होता है 20 की जगह, बस यही करना दोस्तों और कुछ नहीं करना है। ऐसी प्रकार से एस की जगह 19 होता है, टी की जगह 20 होता है, और ई कितने नंबर पर होता है 5 पर, और एल कितने होता है 13 पर, तो हमारा ऑप्शन कौन सा आ गया बी, बी ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। दोस्तों इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन और लेता हूं मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं। दोस्तों मैंने अल्फाबेट कराए थे, इसीलिए कराए थे अल्फाबेट, जो मैंने पहली क्लास ली थी अल्फाबेट की नंबरिंग करना, अल्फाबेट की नंबरिंग वगैरह के लिए पहली क्लास ली थी, इसीलिए ली थी। दोस्तों दोस्तों हमें क्वेश्चन दे रखा है जी ए एम ई, जी ए एम की नंबर कितनी दे रखी है 20, 26, 14, 22, ये दे रखा है हमें। इसी प्रकार से टीम टी एम तीन का फाइन करना कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो दोस्तों करना क्या है वही जो अब तक किया है लास्ट क्वेश्चन में जो किया है, हमारे पास जी जी किसकी वैल्यू होती है, जी किस नंबर पे आता है हमारा, जी किस नंबर पे आता है जी ए एम ई, जी ए एम ई क्या दे रखा है 20, 26, 14, 22, जी हमारा किस नंबर पे आता है, जी हमारा किस पे आता है 7 पे, जी हमारा किस पे आता है, जी हमारा किस पे आता है 7 पे, जी हमारा किस पे आता है 7 पे। दोस्तों मैंने ये बताया था कि यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो नंबर लग रहा है जी हमारा 7 पे आता है, ए हमारा कितना आता है 1 पर, हमारा ए कितने पे आता है 1 पर, एम कितने पे आता है 13 पर, ई कितने पे आता है 5 पर। दोस्तों वही करना है, यहाँ हमें क्या दे रखा है, यहाँ कोई मिल नहीं रहा है कि क्या है क्या नहीं है। दोस्तों करना क्या है, दोस्तों करना क्या है ये देखना, जी ए एम ई, जी ए एम ई, जी ए जी कितने पर आ गया, जी हमारा कितने पर आ गया 7 पर, ए कितने पर आता है 1 पर, एम कितने पर आता है 13 पर, ई कितने पर आता है 5 पर। दोस्तों करना क्या है वही उल्टा, मैंने क्या कहा था यहाँ पर विपरीत लगा हुआ है, मैंने क्या कहा था हमारे पास अल्फाबेट कितने होते हैं 26 अल्फाबेट होते हैं, बट हम उसमें एक एक्स्ट्रा लेके चलते हैं यानी 27 मान करके चलते हैं, 27 में से माइनस 7 गए तो 27 माइनस के 7 कितना बचा 20, ये विपरीत क्रम लगा हुआ उल्टा क्रम। उसी प्रकार से 27 माइनस के 1 कितने बचे 26, उसी प्रकार से 27 माइनस के 13 कितना बचा 14, इसी प्रकार से 27 माइनस के 5 कितना बचा 22। हमारे पास क्या निकल के आ गया, जी की वैल्यू 20 आ गई, ए की वैल्यू 26 आ गई, एम की वैल्यू 14 आ गई, ई की वैल्यू 22 आ गई, हमें आंसर क्या मिल गया 20, 26, 14, 22, 20, 26, 14, 22। उसी प्रकार से 20, 26, 14, 22 मिल गया, उसी प्रकार से TEM फाइंड करेंगे, TEM किस तरह से फाइंड करेंगे ये दिखाता हूँ, TEM किस तरह से फाइंड करेंगे। तो टी हमें क्या दे रखा है TEM, दोस्तों करना क्या वही हमें मालूम है, टी किस जगह आता है, टी का कौन सा पर आता है टी, टी किस पर आता है 20 पर, टी किस पर आता है किस नंबर पर 20 पर, ई कितने पर आता है 5 पर, ए कितने पर आता है 1 पर, एम कितने पर आता है 13 पर। करना क्या वही जो अभी तक किया है,
जो अभी तक किया, जो मैंने ये समझाया, वही 20 मैंने क्या कहा, अल्फाबेट कितने होते हैं 26, एक एक्स्ट्रा लेके चलना है, अल्फाबेट कितने होते हैं 26, एक एक्स्ट्रा लेके चलना है, यानी 27, 27 माइनस के 20 बच गया 7, यहाँ पर 22 माइनस 27 माइनस के 20, 22 माइनस के 20 27, 27 माइनस के 27, और यहाँ पर क्या 27 माइनस के 5 22, यहाँ पर क्या 27 माइनस के 1 26, 27 माइनस के 13 कितना बचा 14, हमारे पास आंसर क्या आ गया 7222614, 722 यानी 72 by 614, 72 by 614 ऑप्शन कौन सा हो गया डी, हमारा आंसर कौन सा हो गया डी। दोस्तों आई होप ये अच्छे से समझ में आएगा बहुत अच्छे तरीके से कि कैसे क्या करना क्या नहीं। सेकंड का क्वेश्चन है जी कितने पर आता है, 7 का उल्टा क्या होता है 20, हमें ए का क्या होता है 1, 1 का उल्टा क्या हो गया 26, यानी हमें आंसर यही पता हो गया टी, एम पे देख लेंगे क्या है क्या नहीं है, टी 20 का आता है आंसर, उसका अपोजिट क्या आ जाएगा 7, ये आ गया टी, ई का ई के कितने पर आता है 5 पर, 5 का अपोजिट क्या होता है 22, 22 हमें ये मिल गया, 22 हमें ये मिल गया, ए ए कितने पर आता है ये हमारा 1 पर आता है, 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा 26 हमें ये मिल गया, एम एम कितने पर आता है 13 पर, 13 का अपोजिट क्या होता है 14, 14 ये हमारा आंसर निकल के आ गया। ये दोस्तों आज उसके आपको बहुत अच्छे से बहुत अच्छे तरीके से ये समझ में आया होगा। दोस्तों मैं बस इतना ही कहूंगा यार, प्रैक्टिस है तो सब कुछ है, प्लीज यार प्रैक्टिस करो, बहुत बेटर रहेगा, बहुत बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए प्रैक्टिस, प्रैक्टिस ही मेन है सबसे मेन। तो दोस्तों मैंने आज एनालॉगी और कंपेरेबिलिटी, यानी एनालॉगी या कंपेरेबिलिटी या सादृश्यता खत्म कर दिया, यानी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ में हम बात करेंगे। दोस्तों आगे के लिए बस इतना ही कहूंगा, मेहनत करो यार, प्रैक्टिस करो, बहुत अच्छे से होगा, बेसिक से बिल्कुल बेसिक से, बुक का कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ा है कि स्टेप से, किसी भी टाइप का क्वेश्चन उठाना है सादृश्यता में से, बस आना चाहिए, कैसे आएगा, नहीं आ रहा तो मैं यहाँ खड़ा हूँ बताने के लिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और दोस्तों यार प्लीज यार चैनल सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे हो, प्लीज चैनल तो सब्सक्राइब कर दो यार, इतना तो कर ही सकते हो, और प्लीज यार लाइक कमेंट शेयर भी कर देना। तो दोस्तों थैंक यू एंड जय जय भारत।